जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो है वो हमारा किसान की बात किसान के साथ वाला वीडियो है, जिसमें हम किसानों से तमाम तरह की बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितना माल रखा, कितना बेच दिया, कितना आगे क्या करने वाले हैं, ताकि आपको कहने की एक विश्वसनीय जानकारी मिल सके और आप भी कहने का अनुमान लगा पाए कि इस बार मार्केट में जो लहसुन का भाव रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि मांग और पूर्ति, ये दो चीज़ें हैं जो कहने की लहसुन के भाव या तमाम कोई भी चीज़ हो, चाहे प्याज हो आलू हो, उनके भाव बढ़ाना घटाना इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए हम कुछ किसानों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम आपका? दुर्गा शंकर पाटीदार। पाटीदार जी, कहाँ से आए आप? धनोर से। आज कितना लहसुन लेके आए? आज आए 32 कट्टे। 32 कट्टे। ईमानदारी से बताना, अभी घर पे कितने कट्टे पड़े? घर पे पड़े 25। और इससे पहले बेचा आपने क्या? पहले नहीं बेचा। कौन सा एरिया, कौन सा बताया? क्या नाम दादा आपका? पाटीदार जी, आपके मतलब जैसे गाँव की बात कर रहा हूँ, तो अभी कितना प्रतिशत किसानों ने मान लिया? 25 से 30 बचा हुआ, बाकी सारा निकल गया। तो किसान भाई, ये जानकारी इसलिए लेके आते हैं ताकि आपको कहने की चीज़ों के बारे में पता लगे। अभी जैसे हमारे किसान भाई भी पूछ रहे, आओ इधर आओ, एक मिनट इधर आओ ना, अरे आओ तो सही, आओ तो सही। अभी किसान भाई हमारे पूछ रहे थे कि भाव का आगे क्या रहने वाला, तो मेरा यही आप लोगों से बोलना रहता है किसान भाइयों से, कि जो वीडियो आते हैं किसान की बात किसान के साथ, वो वीडियो स्पष्ट रूप से आप देखिए, क्योंकि उससे आपको एक अंदाज़ा निकल के आएगा कि कितना माल निकल गया है, कितना बेच दिया है, कितना बचा है। क्योंकि मैं एरिया के हिसाब से गांव के किसान के हिसाब से पूछ लेता हूँ, और ऐसा नहीं कि किसान झूठ बोलता है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, आप झूठ बोलेंगे क्या? कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर झूठ बोल रहा है किसान ये मान के चलिए, तो उसका भी आने वाले समय में नुकसान है, क्योंकि सारा खेल मांग और पूर्ति का ही है। अगर इस खेल को अगर किसान समझने लग गया और आवक के अपने कंट्रोल में लेने लग गया कि कितना माल हमको निकालना, कितना नहीं निकालना। हालांकि आज मार्केट देखा जाए तो आज मार्केट क्या है, लेकिन आपको चिंता करने की फिर भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर वापस कहीं ना कहीं उठेगा, होता है। बाकी दादा, आप लोगों की अभी जो भी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा, अलग अलग एरिया वाले, जैसे आप अलग एरिया, तो आपके उधर क्या कंडीशन है? किसान भाइयों ने माल कितना रखा हुआ है? एक अंदाज 75% रखा हुआ। तो देखिए, दोनों आंकड़े चल रहे हैं। सोमकच वाले किसान मिले थे, उनका बोलना था 80 से 90% किसानों ने रखा हुआ, क्योंकि उनका माल लेट था, इधर माल लगभग बिक गया। और कोई ऐसा जो अलग अलग एरिया में, आप कहाँ के दादा? देवास। तो उधर का क्या कंडीशन है? 20% माल बचा हुआ है, 20 बचा है, 80 निकल गया। अब देखो, आप एक एवरेज लगाओ, एवरेज अगर अपन देखे तो ये मान के चलो कि आधे से ज्यादा माल बिक चुका है, और ये कि यही कंडीशन नीमच मंसूर के उधर की थी, जो गीला माल था वो कहीं ना कहीं बिका है। दादा, आपका क्या नाम है? आप कौन से एरिया के दादा? देवास। मतलब आपके दादा के एरिया की, मतलब यही कंडीशन है अपने उधर की। और अच्छा, आप किसानों में से एक और चीज़ पूछूंगा मैं, कि आपके उधर कोई ऐसी नई फसल कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं है। इधर आ जाते दादा, क्योंकि देखो ये जानकारी हम ला, ये हमारे पड़ोस में बोया था वो चिया सीड। हाँ ठीक है, 3 क्विंटल बिकेगा, 3 क्विंटल बिकेगा। और उसका भाव क्या रहता है? भाव उसका 15 से 20 के बीच, 15 से 20। तो जो उन्होंने रखा था, जो उन्होंने लगाया है, अभी नया इसी साल लगाया, पहली बार लगाया, तो उनका मतलब बेनिफिट निकल रहा है उनको अच्छा खासा। अब बेचेगा जब निकलेगा, अभी तो माल कम्प्लीट कर रखा है, मतलब निकल चुका है, 3 क्विंटल हो चुका है पर बीघा। तो यही तरह की जानकारियाँ हैं जो कहने की तमाम किसानों से हम पूछते रहते हैं, नई नई चीज़ें हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि किसान कहीं ना कहीं मिश्रित खेती की तरफ बढ़े। हम कह रहे हैं 5 क्विंटल यही किया थी। तो देखिए ये चीज़ें देखो, अब ये जो भैया जहाँ के बता रहे, वहाँ जाके इन किसान भाइयों से मिलो जिनके वहाँ हो रहा है, वरना इस बार अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है 2 साल भाव बहुत अच्छा था, लहसुन का अच्छा है ना, तो भली बात छुपा रहा है किसान, लेकिन सबके मन में एक उबार उठ रहा है कि इस बार अगर 2 बीघा है तो 4 है तो, और 8 है तो यही करने वाले हैं। मतलब जो भाव वहाँ है वो भाव कहाँ लाने की तैयारी में, तो भाव वहाँ ऊपर है तो ऊपर को कहाँ से लेके आते हैं। और कुछ वीडियो आपने देखे होंगे पहले, 2 साल पहले वाला, लहसुन है फेंकी गई है, तो अगर ये अगर लगाओगे ज्यादा तो आपको क्या लग रहा है पैसा ज्यादा मिलेगा? हमारी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ,
अगर मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, 2022 में घटा गया, देखी गई 2022 तो ज्यादा लगाएंगे तो आपको क्या लग रहा, प्रॉफिट ज्यादा नहीं लगा? नहीं नहीं, नुकसान ही है। और ये चीज समझनी पड़ेगी सभी किसानों को, महंगा बीज बोल रहे हैं, बीज भी महंगा है और उसके अलावा ज्यादा लगाने से फायदा थोड़ी मिल रहा है, कोई फायदा नहीं चल रहा है। तो बढ़िया रहेगा अपने लहसुन की मान के चलो, या लहसुन प्याज जो भी हो गया, उसकी अगर कोई कदर नहीं रहेगी तो भाव कहाँ से मिलेगा? मिलेगा उनको, नींद नहीं आ रही है, कब साल आई है, कब बोए लहसुन, सोयाबीन की बात ही नहीं करते, फसल तो सोयाबीन की। तो एक और दादा का बोलना, जीरो नहीं बोले, उनको नींद नहीं आ रही, तो दिक्कत सोच रहा है। दिक्कत वही है कि थोड़ा थोड़ा हर साल लगाया जाए और मिश्रित खेती को किया जाए, सभी कहीं ना कहीं आप सबको हर एक चीज का भाव मिलेगा, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसुन हो। अच्छा, अभी जैसे प्याज का क्या रहेगा आप बताओ जरा। यार मैं फिर वही बोल रहा हूँ, बस मैं किसानों से पूछता हूँ कि इस बार प्याज देखो, प्याज इस बार खराब हुआ है, हुआ खराब। अब आप भी इतने समझदार हो कि अगर मार्केट में प्याज कम है तो भाव ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। लहसुन का क्या है भविष्य रहेगा यार? फिर वही बात कर रहे हो ये दादा। यार मैं देखो, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, रुको इनसे पूछवाता हूँ। मुझे बताओ अभी किसानों के पास माल कितना पड़ा हुआ? माल तो 50% माल 50% पड़ा है। ये पिछले साल वाले में इस समय 50% से ज्यादा था, कम था? कम है इस बार। इस बार कम है ना? हाँ। आपको क्या लग रहा है भाव बढ़ेगा? बढ़ेगा, बस बात खत्म। यही तो समझना हमको। चलिए प्याज वाले अगले साल दाव मारेंगे, प्याज वाले भी दाव मारेंगे, प्याज भी दाव मारेगा भैया, प्याज का नंबर आ गया। प्याज कहीं ना कहीं स्टॉक होना चालू हो चुका है। नहीं चालू तो हो रहा है स्टॉक, ये बंदा से बोलो मना कर दो यार। यार ये प्रश्न है कि आवक की बात, दादा मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ। अरे लहसुन कल भाव से नीचे जाएगा? नहीं देखो क्या होता है ना, कल हाँ कल शनिवार है और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि छुट्टी है कि नहीं है, कल छुट्टी का। मैं तो देखो दादा जो कि सही वास्तविक जानकारी। चलिए जय जवान जय श्री राम। दादा आज क्या लेके आए? आलू। आलू क्या नाम दादा आपका? कैलाश। कैलाश सिंह जी कहाँ से आया? अभयपुर से। अभयपुर से दादा आप कहाँ से? भाऊ पाटीदार अभयपुर से। आप भी अभयपुर से? क्या भाव किया अपना आलू आज? 1375 गुल्ला। आपका? आपका हमारा यही है। वीडियो कैसे लगते हैं आप? बढ़िया लगते हैं। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है दादा ये वाला